हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज डे है वेडनेसडे और डेट है 12 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 नहीं 11:30 बज रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये बिस्तर बिल्कुल फैला हुआ है और ये ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि बुलबुल ऐसे ही रहने वाला तो नहीं है, अभी मैं ठीक करूंगी बट ये लेट तक जो है ऐसे ही रहेगा अब से, क्योंकि बुलबुल लेट उठती है। अभी अभी जस्ट उठी है मैडम, मैंने उठाया भी नहीं इसको थोड़ा जल्दी, क्योंकि वही है कि फिर इसका ये शुरू हो जाता है मैं क्या करूं क्योंकि स्कूल्स तो बंद हो गए हैं। हाँ, तो फिर उठने के बाद क्या, तो ये टीवी देखेगी या फिर लैपटॉप के आगे बैठ जाती है, तो फिर मैंने सोचा उठाया ही नहीं, मैंने कहा सो इधर रजाई में रहेगी तब तक अंदर रहेगी, वरना फिर बाहर इसको ठंड में निकलने का रहेगा, तो मैंने उठाया ही नहीं था इसको। और बस तो ये रूम जो है फैला फैला है, नीचे सारी साफ सफाई मैंने कर दी है, सारा झाड़ू पोछा जो भी है वो हो चुका है। लैपटॉप का चार्जर क्या वो उस वाले रूम में है, गुड्डू दीदी पढ़ रही थी ना उस रूम में पड़ा है। ठीक है जी, और गुड्डू गई है स्कूल। और एक खुशखबरी है, मेरा जो इयररिंग्स कल खो गया था ना वो मिल गया है। और कहाँ मिला, चलिए सबसे पहले ये स्टोरी जो है मैं बताती हूँ आप लोगों को, बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ। पढ़ाई कर ले थोड़ी देर, आज से सर को मैं कहूंगी होमवर्क दे के जाया करो, सही से मिलेगा, ज्यादा पेज का देंगे तो अच्छा है, पढ़ाई होएगी तेरी। हाँ जी, तो अब बताती हूँ स्टोरी की, कहाँ मिला ये मेरा इयररिंग। कल जो है देव जी जब शॉप से आ गए थे, हम सब लोगों ने मिलके खूब ढूंढा घर पे। तूने भी ढूंढा था? चलो ठीक है, ढूंढा था तो मैंने और देव जी ने जो है खूब ढूंढा, इधर उधर सारे अंदर सब जगह देख लिया पर नहीं मिला। तो फिर देव जी ने बोला कि अब टेंशन मत ले, सो जा आराम से, सुबह जो है मिल जाएगा, ऐसा कर भगवान जी के और 101 रुपए का प्रसाद बोल दे कि मिल जाए तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं जी। तो फिर मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा चलो अब हमने जो है कोशिश कर ली अपनी तरफ से, अब जो है भगवान जी पे छोड़ देते हैं। तो मैं रात को ऐसे प्रसाद बोल के और जो है सो गई, हालांकि थोड़ा सा टेंशन तो थी, मैंने कह रही तो खो गया ये तो, लाइट चली गई। तो और फिर मैं सो गई। सुबह जो है जो अनिल रहता है हमारे घर पे, वो पीछे और पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था पाइथन पे, तो वहाँ पे उसको ये मिल गया। और वो वहाँ पे गिरा कैसे, पहुँचा कैसे वहाँ पे, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये जो बच्चों का ये रूम में जो है ना, इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे नहीं झाड़ती हूँ क्योंकि इसके जो है थोड़े से यहाँ पे कोई धमकी मूवी है क्या, थोड़ा सा इसका कपड़ा जो है ना बिखरता है इसमें से, तो मैं इसको यहाँ नहीं झाड़ती हूँ, मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करके और फिर बाहर की तरफ झाड़ देती हूँ इसको। तो वो जो मेरा कान का है वो इसके ऊपर गिरा हुआ था और जैसे ही मैंने उसको फोल्ड किया, मैंने देखा नहीं जल्दी जल्दी, मैं फोल्ड करके बाहर झाड़ दिया, वो इयररिंग नीचे जाके गिर गया और फिर वो वही मिला अनिल को। रास्ते में नहीं मिला था तो वहां पे पाइथन पे उसको मिला, तो अच्छा लगा कि हाँ चलो मिल गया, अब टेंशन खत्म है। अब जो है मैंने इसका जो पेच है वो चेंज कर लिया है ताकि फिर से ना गिर जाए। और आज मैंने देव जी की कैप पहनी है, बाल थोड़े से खोल रखे हैं क्योंकि बंदे बंदे बाल जो है अंदर कैप में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था पर वो मैंने नहीं किया है क्योंकि आज मैं पहले ऑयल लगाऊंगी बालों में और फिर करूंगी हेयर वॉश। ठीक है जी, ये है बुलबुल मैडम जो कि 3-4 दिन से नहा ही नहीं है। कब से नहीं नहाई बुलबुल? 2 दिन हो गए क्या तुझे नहाए हुए? तो इसे 2 दिन हो गए नहा ही नहीं है मैडम। और कुछ मैं भी नहीं कह रही हूँ यार, ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और अब भी डर लग रहा है कि अगर हल्का सा भी सर्दी जुकाम होता है ना तो सीधा वहम जो है उसी चीज़ पे जाता है। तो मैं भी जो है नहीं कर रही हूँ, मैं 2 दिन से जो है इसको नहला रही हूँ, आज नहलाऊंगी और बस। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम खुशी खुशी शुरू कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और आज का जो ब्लॉग है वो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होता है। वैसे एक चीज़ तो मुझे जो मैं पहले बता देती हूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू बहुत सारे,
गुड़ जो है दो दिन से और कूटा हुआ रखा है, पर बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, बट अब तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि संक्रांति आ गई है और हमारे यहाँ पे ज़रूर बनाते हैं तिल के लड्डू, तो बस आज मैं वो तो बनाऊँगी। बाकी और क्या क्या होता है वो देखिएगा आप लोग। हाँ जी, तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ, सबसे पहले तो ये राबड़ी बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे राबड़ी जो है हफ्ते में 5 दिन तो बनती ही है सर्दियों में, और अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है तो बनी रही है डेली मतलब। तो राबड़ी मैंने एक तरफ चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ये खिचड़ी, बहुत सारी सब्जियाँ डाल के। जैसे कि मैंने बताया था कल के व्लॉग में, मैं आजकल थोड़ी सी अलग डाइट ले रही हूँ, तो बस उसी लिए तो बस मैंने यहाँ पे कुकर में और बिल्कुल हल्का सा एक चम्मच तेल डाला है और उसमें सारी सब्जियाँ डाल दी है, और अभी मैं इसमें डालूँगी बहुत सारी मूंग की दाल और बिल्कुल हल्के से चावल। मतलब वैसे तो जब हम खिचड़ी मिलाते हैं तो उसमें आधा भाग दाल डालते हैं और आधा भाग चावल डालते हैं, पर इस वाली खिचड़ी में मैंने चावल जो है बिल्कुल थोड़े से डाले हैं, ज़्यादा क्वांटिटी दाल की रखी है। और फिर मुझे ध्यान आया कि दाल जो खिचड़ी है वो मैंने भिगोई तो है ही नहीं, तो वो पकेगी कैसे। तो सब्जियां तो मैंने छोंक दी थी और साइड में जो है मैंने दाल वो खिचड़ी जो है वो भिगो के रख दी है ताकि जो है अच्छे से पक जाए खिचड़ी। और फिर मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ धूप में थोड़ी देर बैठी और फिर मैंने भिंडी कट करी है सारी। तो आज के लंच में है ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी, सिंपल सी राबड़ी है और ये खिचड़ी है जो कि सिर्फ मेरे लिए ही बन रही है, बाकी तो कोई खाएगा नहीं इतनी सारी सब्जियां डाली हुई। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना दी है, खिचड़ी बना दी है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए मिर्ची का परांठा, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में प्याज है तो उनको भोग नहीं लगेगा। किसी फ्रेंड ने कमेंट भी किया था मुझे कि अगर मतलब लहसुन प्याज होता है सब्ज़ियों में तो आप उनके लिए लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से बनाते हो क्या। हाँ जी, मैं अलग से बनाती हूँ फिर, अगर जैसे सब्ज़ियों में जिस दिन लहसुन प्याज नहीं होता तो फिर उसी का भोग लगा देती हूँ, और अगर लहसुन प्याज होता है तो फिर मैं अलग से बनाती हूँ। तो बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, मैंने खाना खा लिया है और ये देखिए मेरे किचन की हालत क्या हो रखी है। तो अभी मैं करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ मैंने आज, हाँ थोड़ा सा अच्छी वाली क्लीनिंग मैं करने वाली हूँ किचन की, वरना हमेशा जो है दिन में मैं इस तरह से अच्छे से किचन को साफ़ नहीं करती हूँ, बट आज मेरा मूड था कि चलो मैं अच्छे से जो है किचन एकदम क्लीन करती हूँ। तो मैंने एक बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी ले लिया है और ये देखिए ये वाला मतलब पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा है मेरे किचन का कितना फैला हुआ है। कुछ ये फैला हुआ इसलिए कि आज मैंने अभी ये मक्खन निकाला है, तो जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ ना, मैं चाहे कितना भी अच्छे से निकालूँ बट वो जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, सारा मिक्सी पे गिर जाता है थोड़ा बहुत और सारा फैल जाता है मतलब किचन। तो ये वाली इस साइड वाला जो गैस वाली स्लैब है वो मैंने साफ़ कर दी है, और ये जो चिमनी लगी हुई है उसकी जाली मैंने निकाल दी है, वो भी आज मैं साफ़ करूँगी। और इधर जो है छाछ बना ली है मैंने, और जो बर्तन साफ़ करने के हैं वो रख दूँगी अलग से। और गर्म पानी मैंने इसी लिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जब मैं मक्खन बनाती हूँ ना तो वो जो चिकनाहट हो जाती है ना वो ठंडे पानी से साफ़ नहीं होती है, तो वो गर्म पानी से जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाला है, तो पहले जो है सर्फ़ वाले पानी से मैं सब कुछ पोंछ दूँगी, मिक्सी वगैरह और सारी जो ये पट्टी है वो पोंछ दूँगी, और उसके बाद जो है सिंपल पानी से गर्म पानी से ही दोबारा मैं इसको पोंछ लूँगी। तो जिस दिन मैं मक्खन बनाती हूँ ना उस दिन मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर मैंने सोचा चलो आज ये काम जो है अभी कर लेते हैं। और साथ के साथ ही जो है मैं यहाँ पे बर्तन भी जो साफ़ करने के हैं वो अलग निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि आज तो चाची जी आएंगे बर्तन साफ़ करने वाले, तो अभी से जो है मैं दिन में ही सारे बर्तन जो है, जैसे सब्जियाँ अब सबने खाना खा लिया है तो सब्ज़ी मैं कटोरी में निकाल दूँगी और ये कढ़ाई वगैरह जो भी है वो सब मैं साफ़ करने के लिए दे दूँगी।
तो अगर आज जैसे दिन में हमेशा तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मतलब गर्म पानी से साफ़ नहीं करती हूँ, सीधा एक गीला कपड़े से पोंछ देती हूँ। बट आज ये मक्खन बिखर गया था ना, मक्खन मतलब बिखर तो क्या गया था, मक्खन जब बनाया था तो फैल गई थी सारी रसोई। तो मैंने सोचा ये जो नाइट में जो डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, वो आज मैं दिन में ही कर रही हूँ। और यही मेरे किचन में मैं ना एक साइड में ये बास्केट रखती हूँ आलू प्याज और लहसुन की, वो भी काफ़ी दिन से थोड़ी फैली फैली हो रखी थी। तो वो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ जो है इसको भी साफ़ कर देते हैं, इस पे से भी कचरा वचरा जो है भी निकाल देते हैं। और बस सारा कचरा वचरा निकाल दिया है, अब झाड़ू लगा लूँगी और फिर लगा दूँगी पोछा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी लेकर आई थी, रोसी पानी से मैं जो है साफ़ किए जा रही हूँ सारी अलमारियाँ और ये किचन। मैंने जो है दो तीन बारी पानी पलटा है और अभी जो है मैं फिर से साफ़ पानी लेकर आई हूँ। और ये नीचे की जो पोर्शन है इसको भी मैं एकदम साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। इसको भी मैं कर देती हूँ करीब मतलब एक दो दिन से जो है मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन वाइट है ना, तो फिर अगर साफ़ नहीं करेंगे तो थोड़े से भी अगर दाग धब्बे होंगे तो वो दिखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है ना, कलर ऐसा नहीं है कि अगर दाग धब्बे हों और वो नहीं दिखें, क्योंकि वाइट है तो दिखेगा ही। मेरी मम्मी ने बोला भी था जब मैंने ये किचन इस तरह का वाइट और ब्लैक बनवाया था, तो मम्मी ने कहा था साफ़ सफाई बहुत मांगेगा ये किचन, सारे दिन लगी रहना चाहे तू। और सच में अभी यही हो रहा है कि मैं सारा दिन लगी रहती। हाँ जी, तो यहाँ पर जो ये चिमनी की जो जालियाँ हैं इनको मैंने और गर्म पानी में सर्फ़ डाल दिया है, और उसमें जो है मैं इनको करीबन 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी, जिससे सारी इनकी चिकनाहट निकल जाएगी और ये साफ़ हो जाएगी बिल्कुल से। हालांकि पूरी डूब नहीं रही है ये टब में, बट मैं एक साइड पहले डबो दूंगी फिर चेंज कर दूंगी दूसरी साइड से, तो हो जाएगी साफ इसी टब में। और थोड़ा सा पानी बिखर गया था तो मैंने वो फिर से पोछा लगाया है यहाँ पे, और ये देखिए मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा टॉवल लगा रखा है हाथ पोंछने के लिए, पहले छोटा लगा रखा था, बट उससे क्या है अब सर्दियों में वो छोटा सा टॉवल होता है उससे हाथ पोंछते तो वो टॉवल गीला ही रहता है, तो फिर अच्छे से हाथ नहीं पोंछे जाते, तो मैंने एक बड़ा सा ये टॉवल यहाँ पर लगा रखा है। तो किचन बिल्कुल मेरा साफ़ हो गया है, और लग गए थे मेरे को आज किचन साफ़ करने में करीबन आधे पौन घंटा लग गया था। उसके बाद मैंने बुलबुल को नहलाया और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैं, 10 मिनट भी जो है नहीं बैठी, वरना तो जो है दिन में मैं थोड़ी देर करीबन आधे घंटे जो है लेट जाती हूँ कम्बल में, बट आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और आज ये काम मुझे करना भी ज़रूरी है क्योंकि परसों है संक्रांति, तो एक तरह से बोले तो तैयारी शुरू हो गई है। गुड़ तो जो है देजी ने पहले 2 दिन हो गए काट के रख दिया था, कूट के रख दिया था, और बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था ये लड्डू बनाने का। फिर मैंने सोचा नहीं यार आज तो जो है बना ही लूँगी, वरना फिर देजी जब शाम को आएंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि गुड़ तो तूने मुझसे कुटवा लिया और लड्डू तो तू बना ही नहीं रही है। तो वैसे तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये लड्डू हम किस तरह से बनाते हैं, फिर मैं दोबारा चलो आपको बता देती हूँ। तो तिल मैंने जो है करीबन 5-7 मिनट के लिए जो है सेक लिए हैं, उसके बाद जो है गुड़ को और पिघला लिया और उसके अंदर फिर तिल डाल दिए, और अभी जो है इसको मैं गरम गरम जो है बांध रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा गरम लगता है हाथों में, तो मैंने ये जो देख रहे हैं उसमें पानी ले रखा है एक बर्तन में, उससे हाथों को मैं जो है ठंडा कर रही हूँ, बीच बीच में गीला कर रही हूँ, और फिर जो है मैं इसको बांध रही हूँ। मेरे को हाथों से इजी लगता है बनाना, तो कुछ आदत भी हो गई है। गरम तो लगता है हथेलियाँ पूरी जल जाती है, पर मुझे आदत हो गई है इसी तरह से बनाने की। तो ये खूब सारे लड्डू जो है मैंने बना के रख दिए हैं, कुछ इसमें से जो है दान दिए जाएंगे बांटूंगी मैं, और कुछ घर के लिए बनाए हैं। ठीक है ना, अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, ठीक है ना। आप कार में घुस रही है तो अब ये तेरी भी गलत बात है बेटा। उसको क्यों धक्का दे रही है तो? क्योंकि वो नहला रही है।
उसने तेरे को नॉक नॉक किया था, उसने कहा था जागो बुलबुल जागो। नहीं नहीं मैं भी इसको भी कर लेंगे। मैंने सारा फेस खराब कर रखा है मैंने अभी तेरे को ध्यान से देखा किचन में। बस तो ठीक है हो गया। आजा बबल आजा आजा आजा, लड़ाई लड़ाई बंद करो। मेरा क्यों कर रही है, मैंने थोड़ी ना किया था। मत लड़ बबल आजा, तेरे बाल बनाऊ आजा, छोटी बनाऊ। नहीं था तो फिर तू तो दूध फटमा सीधे करते रहते हो। अरे तू हंस रही है कि रो रही है? पिछले साल बोला था कि तू अगर अगले साल है ना मेरी हेल्प कराएगी तो फिर मैं तेरे को पॉपिट मंगा के दूंगी। बेटा मैं मंगा दूंगी, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। बेटा 100 रुपए का तो वो खुद है, उससे ऊपर 100 रुपए वो उसके चार्जेस ले रहा है। बता बिना फालतू के पैसे थोड़ी ना दिए जाते हैं कोई। मैं मंगा दूंगी, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ तेरे को नहीं मंगा। मैं तेरे को चीज मंगा के नहीं। अरे सुनो तो सही, अब जितने भी लेट मंगाओ वो डिलीवरी चार्ज तो लेगा ही। अरे नहीं लेगा, अपन जब बहुत सारी चीजें एक साथ मंगाएंगे ना तो चार्ज नहीं लेगा। अब फिर पहले अपन यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ मिल जाए तो फिर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेंगे ना। वो तो पापा की आज तबीयत खराब हो गई, पापा को फीवर हो गया, वरना तो पापा देख के आते तेरे लिए आज। नहीं देख के आते के ये बता, देख के आते। और फिर तूने आते पापा से ये तो नहीं पूछा कि पापा अभी तबीयत कैसी, तू ये पूछ रही है पापा पॉपिट लाए हो क्या। कितनी गलत बात होती है। तो मुझे उनको देखने से लगा ही नहीं कि उनके बुखार है क्या। जब कह रहे थे ना कि दूर रहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तेरे को नहीं लगा था उससे। फिर जब मैं तेरे को बोल रही हूँ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तू आके मेरे को कह रही है कि पापा पॉपिट नहीं लाए। बेटा मैं तो तेरे को समझदार कर रखा था, मुझे तो लगा था तू समझदार बच्चा है मेरा। ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। फिर ला के नहीं, थोड़ी में नहीं देते तुम्हें, हर चीज मिलती है तुम्हें, हर चीज ला के देते है जो एक बार कहते ही। मम्मी लेकिन अगर पापा की और दिन तब तबीयत खराब रही तो फिर वो दुकान कैसे चलाएंगे? सब चला लेंगे, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे एकदम। मैं ठीक कर दूंगी उनको, रात को देख बहुत सारा कड़ा वड़ा पिला पिला के ठीक कर देंगे। आज रात को उनको बहुत कड़वी सी चाय बना के दूंगी मैं। कड़वी चाय जैसे मैं तेरे को बना के देती हूँ ना, वैसे काढ़ा बना के दूंगी। मम्मी मुझे इतने बाल करने में कितने साल लगे? 3-4 साल। गाइस मैंने 3-4 साल से बाल नहीं कटवाए हैं, तब जाके वो इतने लंबे हुए हैं। मम्मी लो चलो अब ब्लॉग का एंड करें। पहले मैं कर दूं आज? ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑन सी यू बाय बाय टाटा। मम्मी एक आप कर दो, मैंने एक बारी के लिए वीडियो बंद कर रही हूँ। सुबह से अभी मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ, टाइम भी नहीं मिला और थोड़ा सा मूड भी ऐसा सही था आज, क्योंकि दिज्जी को हो गया आज फीवर और कल उनके गले में क्या खराश था, कल उनको जुखाम सी थी थोड़ी सी और आज उनको जो है फीवर आ गया, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है मूड ऐसा सही था। मेरे को ऐसा लगता है यार मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे घर में और कोई बीमार नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता बस मुझे ऐसे देख के। तो है तो शायद नॉर्मली फीवर है अभी यहाँ पे, क्योंकि क्या मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना, तो इस टाइम जो है उस वजह से भी और गला ख़राब और हो रहा है लोगों का, क्योंकि कोविड वाला तो यहाँ अभी इतना नहीं फैला है, 1-2 केसेस ही है यहाँ पे, तो वो तो नहीं लग रहा है। और ट्रीटमेंट ले लिया है उन्होंने, दवाई ली है फीवर की, तो अभी जस्ट वो आए हैं और लेटे हैं, काढ़ा बना के दूंगी। बाकी सब लोग जो है सबसे यही कहना है कि सब लोग अपना ख्याल रखें, जुखाम भी जो ना
उससे भी बच के रहे, खूब कपड़े पहने। और मुझे देखिए, मैंने 3 स्वेटर पहन रखी है आज, सच में यहाँ पे ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैंने 3 स्वेटर पहन रखी है और तब जाके मुझे जो है अच्छा लग रहा है। दिन में मैंने सिर्फ 1 कुर्ती डाल रखी थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ठंड से बच के रहें, नॉर्मल जुकाम भी जो है ना ना लगने दे, क्योंकि सीधा वहम फिर उसी चीज़ पे जाता है कि कल को यार वो चीज़ ना हो गई हो। ठीक है जी, तो सब अपना ख्याल रखिए। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर ऐड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।